तो हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले 6-7 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचा था घर जाऊँगा और होली का सीज़न था, तो मैंने सोचा था फगुआ गांव में होता है उसकी वीडियो डालूँगा होली की, लेकिन उतना कुछ खास था नहीं कि मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। लेकिन यहाँ की सुबह इस समय जो मौसम है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे था कि मैं सुबह निकलूँगा किसी दिन और सुबह का नज़ारा दिखाऊँगा यहाँ का। तो 2-3 दिनों से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैं टाइम से उठ गया था, अंधेरा था तब। तो ये गांव का हमारे तालाब है और इधर ये गांव है हमारा, और सामने यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, और यहाँ पर आगे चल के दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। तो ये देखिए, अभी हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और सूर्योदय के बाद धीरे धीरे ये धुंध छटनी शुरू होगी। आसमान में इधर लालिमा छा रही है और ये गांव का तालाब हमारे है। तो दोस्तों, इस समय पतझड़ का मौसम है और यहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं तो उनकी पत्तियाँ झड़ रही हैं, और पलाश के फूल यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनके फूल भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस समय एकदम लाल अंगारों की तरह दहक रहे हैं, और इसे जंगल की आग कहा भी जाता है। तो पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये पेड़ हुआ करते थे और इसके नाम भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस पेड़ के, इसे पलाश, केसू, टेसू, किंसुक और भी कई नामों से जाना जाता है। और इसके 2-3 कलर में ये पेड़ होते हैं, ये फूल होते हैं, ये लाल है, इसके अलावा सफ़ेद और शायद पीला भी होता है जहाँ तक मुझे जानकारी है। और ये जो पुष्प हैं, प्राचीन काल से इनसे रंग बनाया जाता है, और ये पुष्प जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड का राज्य पुष्प है। और इसके फूल जो हैं कई औषधीय गुणों से भरे हुए होते हैं, जिनका उपयोग कई बीमारियों का इलाज करने में किया जाता था। ये पूरा जंगल देखिए, पत्ते झड़ चुके हैं तो खाली खाली सा लग रहा है। अभी कुछ दिनों बाद जब नए पत्ते आ जाएंगे तो इनमें ही यहाँ पर काफ़ी घना घना जंगल दिखेगा। अभी आपको हमने पहले दिखाया था जहाँ से सूर्योदय अच्छा दिखाई देता है, और यहाँ से सूर्यास्त बहुत अच्छा दिखाई देता है। सामने जो पहाड़ एक दिख रहा है यहाँ पे, और ये नीचे गांव का नज़ारा है। अधिकतर लोग तो पहले से जो जुड़े हैं मेरे चैनल से, वो जानते होंगे कि मैं यहाँ का हूँ और यहाँ की वीडियो मैंने पहले भी डाली है। तो इस टाइम यहाँ पर अगर आते हैं तो पेड़ों के पत्ते तो झड़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी देखने लायक नहीं मिलेंगी। ये देखिए, पूरा पहाड़ जो है वो लगता है रंग ही नहीं है कोई। यही जो पलाश के फूल हैं उनमें, उनके कारण थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी मॉर्निंग वॉक में इस समय ठंडी थोड़ी सुबह सुबह होती है, वो अच्छा लगता है। बाकी की चीज़ें बरसात में यहाँ अच्छी लगेंगी। अभी कुछ देर पहले सड़क के उस पार में था तो वहाँ से कई पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं सोच रहा था कि चलो पास से वीडियो बनाऊं। जब मैं यहाँ दौड़ के आया तब तक पक्षी कई उड़ गए थे, और वहाँ क्या है कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, वहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। गाड़ियाँ जब घाटी चढ़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा शोर करती हैं।
यहाँ पे दिखाते हैं, कई मधुमक्खियाँ दिख रही हैं जो कि यहाँ से फूलों के रस निकाल रही हैं, वो दिख रही होगी आपको इधर, ये देखिए ये एक मधुमक्खी ये है, तो ये मधुमक्खियाँ यहाँ से फूलों का रस निकाल रही हैं। और जंगल के कई जो बंदर होते हैं, मधुमक्खियाँ और बच्चों को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है फूल।